आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मीशो से बैग। एंड मीशो से बैग मैं फर्स्ट टाइम परचेस की हूँ एंड काफ़ी गुड कंडीशन में मुझे रिसीव हुए हैं। एंड इनका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मैंने बैग परचेस किया है वो ये ब्लैक कलर का एक बैग है। ये कुछ इस टाइप का बैग है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये बैग। एंड इसमें और भी कलर अवेलेबल है इस टाइप का। यहाँ पे ये है, देन यहाँ पे आपको स्लिंग भी मिल जाएगा। तो इस टाइप का तो देखने में काफ़ी छोटू सा लग रहा है बट काफ़ी स्पेसियस है अंदर। एंड आपको यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, 1, 2 एंड 3। एंड बीच वाला जो कंपार्टमेंट है वो काफ़ी स्पेसियस है। तो आप इसमें अच्छा खासा मतलब सामान आ जाएगा। एक छोटी सी पानी की बॉटल भी आएगी, 250 ml वाली आ जाएगी। एंड आप इसमें जो भी वॉलेट एंड फ़ोन वगैरह है वो आप रख सकते हैं। थोड़ा मेकअप का सामान भी आ जाएगा। तो मुझे ये ओवरऑल ठीक लगा। एंड इसका जो प्राइस है वो है 300 समथिंग। तो जो भी प्राइस होगा वो स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा लेदर फॉर्म में है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। तो जो नेक्स्ट बैग है ये एक वाइट कलर में बैग है इस टाइप का। ये वाइट कलर में बैग है एंड यहाँ पे इस टाइप की ये चेन मिल जाती है गोल्डन कलर में। देन यहाँ पे भी ये स्लिंग भी मिल जाएगा आपको। एंड इस टाइप का ये भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस टाइप से डाल सकते हैं या फिर आप स्लिंग फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। एंड आपको ऐसे हैंड में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। वाइट कलर में, ऑफ वाइट है बेसिकली। एंड यहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट है इस टाइप का, ये यहाँ पे दिया हुआ। देन काफ़ी स्पेसियस है अंदर, अंदर कुछ इस टाइप का है। एंड जो अंदर का जो फैब्रिक है वो कॉटन है बेसिकली, फैब्रिक लगा हुआ है। तो एक आता है थोड़ा सा ब्लैक थिन फॉर्म में आता है, तो क्या होता है कुछ दिन बाद जो है वो थोड़ा सा फटने लगता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है जो भी अंदर का जो फैब्रिक दिया हुआ है। एंड बाहर जो फैब्रिक है वो लेदर है। तो काफ़ी अच्छा है मुझे ये लगा। एंड इसका जो प्राइस है वो है 224। तो प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये। एंड ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आपको हैंड में कैरी करना है तो आप हैंड में कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्लिंग फॉर्म में करना है तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके आप उसको भी कैरी कर सकते हैं, या फिर इस टाइप शोल्डर में भी आप कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट वे में आप इसको कैरी कर सकते हैं। सो ऑफ वाइट काफ़ी ट्रेंड में है एंड आप शोल्डर बैग, हैंड बैग एंड स्लिंग बैग इस टाइप का, इसका डिफरेंट वे में आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो प्राइस वाइज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड तो जो नेक्स्ट बैग है वो है ये स्लिंग हैंड बैग। एंड ये भी काफी प्रिटी लग रहा है, इस टाइप का है ये। एंड इस टाइप का इसमें जो है ब्लैक कलर का इसमें इस टाइप का टेक्सचर दिया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी शाइनिंग है इसमें बैग में। एंड इसमें यहाँ पे भी एक यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाता है इस टाइप का, एंड एक बाहर साइड में भी मिल जाएगा आपको। तो आपको अगर कोई भी कॉइन वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बैग। आप शोल्डर बैग इस टाइप का आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड तो अंदर भी काफ़ी स्पेसियस है इस टाइप का, आप देखिए काफ़ी अच्छा है। एक अंदर यहाँ पे भी एक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक जिप दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये बैग लगा एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ना। आपको इस टाइप का अगर शोल्डर पे आप कैरी करना चाहेंगे तो उससे, नहीं तो आपको हैंड में भी आप कैरी कर सकते। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसका जो प्राइस है वो है 313। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी क्वालिटी, इसका सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मीन्स आप थोड़ा सा आप देख रहे होंगे थोड़ा शाइनिंग लुक भी आ रहा है यहाँ पे, जो भी ब्लैक कलर का जो है वो टेक्सचर फॉर्म में है इस टाइप में। तो मुझे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा बैग लगा। तो जो नेक्स्ट बैग है ये काफ़ी स्मॉल सा बैग है एंड काफ़ी क्यूट लग रहा है ये बैग। ये इस टाइप का है बैग एंड इसमें जो है यहाँ पे इस टाइप का इसमें लॉक दिया हुआ है। देन इसको ऐसे ओपन करके देन यहाँ पे ये स्पेस मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे एक स्लिंग चैन भी मिल रही है।
तो आप चाहे तो आपको साइड में आप इसको स्लिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे पर्ल करके एक हैंड में आप ऐसे करके कैरी कर सकते हैं, तो काफी क्यूट लग रहा है ये। एंड इसका जो प्राइस है वो है 295, तो प्राइस तो इसका ज्यादा मुझे लगा। एंड इसकी क्वालिटी थोड़ी सी प्लास्टिक फॉर्म में है, तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। एंड काफी स्मॉल है ये बैग, तो थोड़ा सा मैंने इमेजिन किया था कि थोड़ा बड़ा होगा, बट ये काफी स्मॉल है। तो आप अगर कोई मार्केट वगैरह जा रहे हैं देन आप इसको कैरी कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट बैग है ये एक ब्लैक कलर का एनिमल प्रिंट, एंड काफी अच्छा है ये, थोड़ा सा सूटकेस फॉर्म में है, तो काफी अच्छा लग रहा है। स्लिंग बैग है ये, एंड इस टाइप के जो बैग है वो आप कैजुअल फॉर्म में आप इनको कैरी कर सकते हैं, काफी ट्रेंडिंग में है इस टाइप के बैग। एंड इसका मटेरियल है वो थोड़ा सा प्लास्टिक फॉर्म में है, एंड टेक्सचर आप देख रहे होंगे इस टाइप की, थोड़ा सा सूटकेस फॉर्म में है, एनिमल प्रिंट है, यहाँ पे ये लाइनिंग दे रखी है। एंड अंदर जो है इस टाइप का इसमें स्पेस मिल जाता है आपको, एंड ज्यादा इसमें सामान तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपका फोन एंड छोटा सा वॉलेट वो आ जाएगा आपका। एंड इस टाइप की आपको यहाँ पे स्लिंग मिल जाती है, देन यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए भी है, तो ओवरऑल ठीक है। इसका जो प्राइस है वो है 443, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छा है। जो इस टाइप के बैग होते हैं एनिमल प्रिंट या कुछ इस टाइप फॉर्म में, जो थोड़ा सा जो मटेरियल थोड़ा इस टाइप का होता है वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बाकी ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जो नेक्स्ट बैग है ये है क्रीम कलर में बैग, एंड इसमें ये स्लिंग बैग है बेसिकली, एंड यहाँ पे जो है आप इसको इस टाइप से हैंड में कैरी कर सकते हैं, देन इस टाइप का, एंड इसमें जो है स्लिंग भी दे रखी है अंदर, एंड इस टाइप का यहाँ पे ये आपको स्लिंग मिल जाएगी। देन यहाँ पे जो है इस टाइप का अंदर जो है तो इस टाइप का यहाँ पे लॉक करने के लिए दे रखा है, देन अंदर का स्पेस इतना है, तो इसका स्पेस भी ठीक है। यहाँ पे एक इस टाइप की जिप मिल जाती है, तो अगर आपके पास कोई कॉइन वगैरह है देन यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इस टाइप का यहाँ पे स्पेस है, तो ठीक है, इसमें स्पेस आप थोड़ा सा वॉलेट फोन एंड थोड़ा छोटा मोटा सामान आप इसमें डाल सकते हैं। एंड जो यहाँ पे इस टाइप की ये चेन दे रखी है वो काफी अच्छी लग रही है, इस टाइप की थोड़ा ऑफ व्हाइट एंड गोल्डन में चेन दे रखी है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 328, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक है, अच्छा है बैग। एंड यहाँ ऊपर जो इसका मटेरियल है वो भी काफी अच्छा है, थोड़ा लेदर फॉर्म में है बट अच्छा लग रहा है। एंड ओवरऑल ठीक है प्राइस वाइज, ये बैग मुझे अच्छा लगा। सो इसमें आप डिफरेंट वे में भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, आपका स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, हैंड बैग भी बना सकते हैं, तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये है ऑफ वाइट कलर का बैग। जो नेक्स्ट बैग है ये है ब्लैक कलर का बैग, एंड ये कुछ इस टाइप का बैग है, एंड इस पे जो इस टाइप की डिटेलिंग दे रखी है सिल्वर कलर में है, एंड ये पूरे में इस टाइप का ऑल ओवर वर्क दिया है। इसमें एक कॉइन बेसिकली कॉइन बैग भी है इस टाइप का, ये है। एंड इसके साथ इसमें ये आपको एक स्लिंग मिल जाती है, एंड ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे लगता है। एंड इसके अंदर जो है इतना स्पेस है, मतलब आपका ये है कि आपका फोन एंड वॉलेट आ जाएगा, एंड ज्यादा सामान तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फोन एंड वॉलेट एंड कुछ थोड़ा सा आपका ब्यूटी से रिलेटेड थोड़ा सा प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक तो जैसे लिपस्टिक हो गया या फिर आपका जो फेस पाउडर है तो वो आ जाएगा इसमें। एंड इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा अकॉर्डिंग दिस बैग। एंड वैसे ये बैग अच्छा है, एंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, एक अंदर भी आपको यहाँ पे चैन मिल जाती है एंड अंदर स्पेस इतना मिल जाता है, बट ओवरऑल ये ठीक है। बस मुझे जो ये वर्क है ये कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये मतलब इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। नेक्स्ट बैग है ये है वाइट बीड क्लच बैग, एंड काफ़ी प्रिटी मुझे ये बैग लगा है, आप देख लीजिए इतना काफ़ी फाइन वर्क है इसमें, जो पूरा डिटेलिंग दी हुई है बीड्स की वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड अंदर से कुछ यहाँ पे इस टाइप का है, एंड जो ये फैब्रिक दिया है वो काफ़ी अच्छा है, सैटिन फैब्रिक है, एंड काफ़ी कुशनी भी है,
अंदर कुछ इस टाइप का स्पेस मिल जाता है, देन यहाँ पे एक और चैन मिल जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे इस टाइप का यहाँ डिटेलिंग है एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं, इतना स्पेस दिया हुआ है एंड ज़्यादा स्पेस तो नहीं है अंदर, बस ये है आपका थोड़ा सा मनी आ जाएगा एंड आपका फ़ोन आ जाएगा, इतना आ जाएगा इसमें। एंड इसका अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका है 425। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये काफ़ी अच्छा बैग है एंड काफ़ी प्रिटी भी है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है इसमें एंड आप इसको वेडिंग में, पार्टी में आप इसको कैरी कर सकते हैं। वेडिंग आउटफिट पे तो जाएगा ही एंड इंडो वेस्टर्न में भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये क्लच, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये थे मेरे मीशो से बैग, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एंड इनमें से कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड में बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।